नमस्कार साथियों, टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं पांच महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि किन्हीं पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत ही संक्षेप मेथड मैं आपको बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर पाँच हैं क्रमागत सम संख्याएँ, तो पाँच से हम अगर पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 दिया है, तो 120 में अगर हम पांच से भाग दे दें तो उन पांचों में जो मध्य वाला संख्या होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये पांच संख्याएं अगर हैं तो पांचों में मध्य वाली संख्या ये है, अगर हम पांच से भाग दे देते हैं तो यही वाली संख्या आ जाएगी, मध्य मान आ जाएगा, है ना। तो भाग दीजिए यहाँ से, पाँच दूना दस और बचत दो, पाँच चौक के बीच 24। यहाँ पर मध्य वाली, पांचों में मध्य जो है वो 24 है। अगली सम संख्या दो जोड़ने पर आएगी 26 होगी, अगली सम संख्या दो और जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 28 आएगी। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, 28 होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप लगाओगे तो बहुत ही कम समय में लगा ले जाओगे, और ये क्वेश्चन मुझबानी आप लगा सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 346 की घात 413, 821 की घात 320, धन 315 की घात 222, धन 740 की घात 899 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत आसान होता है। जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जब इकाई पर जीरो हो, इकाई पर एक हो, इकाई पर पाँच हो और इकाई पर छः हो, तो घात से मतलब ही नहीं रखना होता है। अगर इकाई पर ये है तो इतना हमेशा रहेगा, घात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इकाई पर छः है तो घात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई पर कितना आएगा, छः आएगा। यहाँ पर इकाई पर एक है तो घात से कोई फर्क नहीं, एक ही आएगा। यहाँ पाँच है तो पाँच ही आएगा, यहाँ जीरो है तो जीरो आएगा, सब जोड़ेंगे। तो देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई में इकाई ही जुड़ता है, तो सब इकाई जुड़ करके इकाई पर कितना आएगा, छः एक सात, सात पाँच बारह, बारह में जीरो जोड़ेंगे तो बारह ही रहेगा, और बारह को जब बारह को दो लिखेंगे तो इकाई पर कितना आएगा, दो आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, एक की घात तीन, धन दो की घात तीन, धन तीन की घात तीन, धन चार की घात तीन, बढ़ते बढ़ते 25 की घात तीन का योग क्या होगा। इसका योग क्या होगा, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको जो तरीका बताया था बहुत ही लाजवाब तरीका था और बहुत आसान तरीका था, है ना, उसी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, जब क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंतिम संख्या को पकड़ते हैं 25, अंतिम संख्या है 25, 25 रख लिया, फिर जितना अंतिम है उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा कितना होगा 26, है ना, गुणा कर लीजिए, यानी अंतिम संख्या, अंतिम संख्या से एक ज़्यादा, बटे कितना, दो रखेंगे और घात भी कितना दे देंगे, दो दे देंगे। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या से एक ज़्यादा, बटे दो, घात में दो। सॉल्व करें कितना हो जाएगा, दो से इसको डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार में, दो तेरहियाँ में 26 हो जाएगा। अब 13 का 25 से गुणा कर लीजिए, उसके बाद वर्ग कर देना, 13 पच्चे 65 का 5 हुआ, हासिल हुआ आपका 6, और 13 दूना 26, 26 और 6 32 हो गया, यानी 325 आया। और अभी तो घात 2 को सॉल्व करना है, यानी घात 2 कर दीजिए। अब देखिए, जब घात 2 करेंगे तो आपका 325 का वर्ग हो गया, इस 5 की वजह से लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा इस 5 की वजह से। अब बचा ये 32, तो 32 में एक ज़्यादा 33, है ना, 33 से आप गुणा कर दीजिए, इसका वर्ग आ जाएगा, है ना। आप इनको गुणा करेंगे, दो और तीन, दो तिया 6 हो गया, है ना, तीन त्रिक्का 9, तीन दूना 6, 9 6 15, 15 का 5 हुआ, कैरी हुआ 1, तीन त्रिक्का 9, 1 10 हुआ, इतना आपका उत्तर आएगा। अगर दोस्तों आप इतना
करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये 325 का 325 से गुणा करोगे तो यही वाला आपका उत्तर आएगा, है ना। 325 गुणे 325 यानी 325 का वर्ग, है ना, यही वाला आपका उत्तर आएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, और देखिए ये आपका आया था तो उत्तर कौन सा सही हो रहा है, बी वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये चार ऑप्शन है, चारों में आपका कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने बाकायदा पढ़ाया है कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी हम गिनती करते हैं, यानी ये काउंटेबल होती हैं, इनको गिना जाता है, एक से शुरुआत होता है, एक दो तीन चार अनंत तक जाता है। शून्य कभी भी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, शून्य, क्योंकि शून्य काउंटेबल नहीं है, इसको गिना नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिनको हम गिनते हैं, तो गिनती शुरुआत होती है एक से, है ना, तो इसलिए एक से जब शुरू होगा तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसमें उत्तर कौन सा, डी सही होगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है 49*862 यदि 6 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर क्या होगा, यानी ये संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं 6 से विभाज्यता का नियम किन दो नियमों का पालन कराता है, तो 6 का गुणनखंड होता है 2 × 3, अतः 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम दोनों का अगर ये पालन करता है तभी ये 6 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई पर सम अंक होना चाहिए, तो इकाई पर सम अंक है। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए, तो देखिए सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है कि नहीं, ये 2 ये आपका 6 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, ये बचा 2 8 10 10 4 14, 14 3 से नहीं कटेगा। अगर एक हम जोड़ देते हैं, एक यहाँ पर रख देते हैं, तब तो योग कितना हो जाएगा 15, और 15 तब 3 से कट जाएगा, है ना। अब इसमें आपका उत्तर क्या होगा, स्टार की जगह पर 1 रखा जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा पानी आ गया है ना, इस वजह से अब क्लास को बंद करना पड़ेगा, और हालांकि लास्ट क्वेश्चन था, बारिश बहुत तेज़ है, ऊपर देखिए थोड़ा सा शोर शराबा भी होने लगा है। तो चलिए अब क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं, अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।